नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है तस्लीमा नसरीन को लेकर। आपको बता दें कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने अभी अभी देश के जो कट्टरपंथी हैं, देश के जो कठमूल्य हैं, उन पर एक करारा प्रहार किया है, करारा तमाचा जड़ा है इनके गाल पर। वो क्या कार्रवाई की गई है तस्लीमा नसरीन की तरफ से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि जिस तरीके से देश में एक खास कट्टरपंथी, देश में कुछ खास जो है वो कट्टरपंथी, वो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय और अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि तस्लीमा नसरीन ने क्या किया है, क्या कहा है और क्या कार्रवाई की है देश के कट्टरपंथियों पर, देश के कठमूल्यों पर। आपको बता दूं कि तस्लीमा नसरीन, मैं बताऊं उससे पहले थोड़ा सा तस्लीमा नसरीन के बारे में जान लेते हैं। दरअसल तस्लीमा नसरीन जो है वो बांग्लादेश की लेखिका है। बांग्लादेश में ईश निंदा का इन पर आरोप लगा और उसके बाद इन्हें बांग्लादेश से भागना पड़ा। फिलहाल इनके पास स्वीडन की नागरिकता है, भारत में भी रहती हैं। और तस्लीमा नसरीन लगातार जो इस्लाम धर्म में जो कट्टरपंथी हैं, जो कठमूल्य हैं, उन पर लगातार वो निशाना साधती रहती हैं, कट्टरवादिता पर लगातार अपना प्रहार करती रहती हैं। तस्लीमा नसरीन के बारे में आपको बता दूं कि तस्लीमा नसरीन के साथ बांग्लादेश में शुरुआत से ही यौन शोषण की घटनाएं होती आईं और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से भागना पड़ा, क्योंकि तस्लीमा नसरीन सच बोलती थी लेकिन सच सुनने की जो हिम्मत है वो उनमें नहीं थी जो बांग्लादेश में बहुसंख्यक हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम राष्ट्र है बांग्लादेश, तो वहां पर सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद तस्लीमा नसरीन को लगातार परेशान किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब तस्लीमा नसरीन को भागना पड़ता है। खैर, आपको बता दूं तस्लीमा नसरीन ने पहले, तस्लीमा नसरीन के कुछ ट्वीट आपको पहले बता देता हूं, कुछ बयान उनको बता देता हूं। एक बार उन्होंने इस्लाम पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंसानियत के नाते यह कहना बंद कर दो कि इस्लाम अमन पसंद धर्म है। जी हां, कुछ लोग कहते हैं कि शांति दूत हैं हम, तो तस्लीमा नसरीन ने यह कहा था कि इंसानियत के नाते यह कहना बंद कर दो कि आप अमन पसंद हो, इस्लाम अमन पसंद है। इसके साथ ही महिलावादी तस्लीमा नसरीन, आपको बता दूं कि समय समय पर महिलाओं और मानवाधिकारों पर भी अपने विचार रखती रहती हैं और 1994 में वो बांग्लादेश से निकल गई थी। अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी देते रहते हैं और 22 मई 2018 का उनका बयान था कि मेरी मौत के बाद मेरे पार्थिव शरीर को दफनाया नहीं जाए बल्कि मेरे शरीर को एम्स अस्पताल जो कि दिल्ली में है उसको दे दिया जाए। ये उनका 22 मई 2018 का बयान है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 5 बार नमाज की जगह 1 बार नमाज पढ़ो और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ो। आपने देखा होगा कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं, हाल फिलहाल में तो अभी ऐसी स्थितियां बंद हो गई हैं, लेकिन मैंने भी कई दफा देखा कि मेरे दफ्तर के बराबर मेरे ऑफिस के बाहर जो है एक पार्क है तो वहां पर एक भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती है, जुमे का दिन होता है, नमाज अदा की जाती है और कई दफा तो ऐसे दृश्य भी सामने आए जब रोड पर बैठकर एक भीड़ द्वारा रोड को जाम कर दिया जाता है और नमाज अदा की जाती है। तो इसको लेकर तस्लीमा नसरीन ने सीधे सीधे निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से बचें और 5 बार की जगह 1 बार नमाज पढ़ें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्धों के ऊपर अत्याचार होता है, यह भी तस्लीमा नसरीन ने कहा था और 1400 साल पहले बने कुरान के नियमों और सिद्धांतों को वो लगातार चुनौती देती रहती हैं। तो ये है तस्लीमा नसरीन। इसके साथ ही गौहत्या पर भी उन्होंने प्रतिरोध जताया है, बयान देती रहती हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताता हूं कि तस्लीमा नसरीन ने दरअसल कहा क्या है, क्या कार्रवाई की। आपको बता दूं कि पिछले दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरिया अदालत की मांग की थी और इतना ही नहीं, अलग से मुस्लिम देश की भी मांग कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी थी और शशि थरूर ने भारत पर हिंदू पाकिस्तान वाली टिप्पणी भी करी थी। आपको ध्यान होगा कि शशि थरूर ने एक बार बोला था कि अगर मोदी जी जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जीत जाते हैं, तो इस देश को, ये देश जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये कहना था शशि थरूर का। लेकिन शशि थरूर ये भूल गए कि सनातन हमें सहिष्णु बनना सिखाता है, सनातन हमें हिंसा के मार्ग पर चलना नहीं सिखाता। और रही बात हिंदू पाकिस्तान बनाने की,
तो दो द्व्यर्थी बातें, दो आपस में जिनका मेल नहीं खाता है, दो समानांतर वाली बातें शशि थरूर ने कर दी। पहली ये कि हिंदू कभी पाकिस्तान बना ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से एक खास तबका कट्टर पंथ को फॉलो करता है, कट्टर बाध्यता को फॉलो करता है, हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू को शुरुआत से सहिष्णुता सिखाई जाती है। और दूसरी बात, आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं, यह कहीं से नहीं जचता। तो शशि थरूर ने टिप्पणी की थी, लेकिन आपको बता दूं कि अब तस्लीमा नसरीन का एक बयान आया है। तस्लीमा का कहना है कि भारत आगे चलकर एक मुस्लिम देश बन जाए, इससे कहीं बेहतर है कि भारत हिंदू राष्ट्र ही बने। तस्लीमा ने यह भी कहा कि भारत सेक्युलर ही ठीक है, लेकिन इस्लामिक और हिंदू राष्ट्र की बात हो तो हिंदू राष्ट्र ही बने। यानी तस्लीमा नसरीन ने सीधे सीधे यह कह दिया कि अगर भारत को मुस्लिम देश भारत को बनाना चाहते हैं कुछ लोग, और मुस्लिम देश भारत बन जाता है, तो इससे बेहतर यह है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। यह तस्लीमा नसरीन का कहना है। तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की लेखिका है, खुद एक मुस्लिम है, लेकिन लगातार वो कट्टरपंथियों पर, कट्टरवादिता पर लगातार प्रहार करती रही हैं, और एक बार फिर उन्होंने ऐसा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, एक इस्लामिक देश बन जाए, इससे कहीं बेहतर है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज जोड़ी और उन्होंने कहा कि भारत सेक्युलर ही ठीक है, लेकिन इस्लामिक और अगर हिंदुओं में तुलना करती हूं मैं, तो यह बेहतर रहेगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और जिसमें मैंने ये बताया था, आपने एक तस्वीर देखी होगी, कल मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाई थी, और उस तस्वीर में दरअसल माँ काली की ये तस्वीर थी, माँ काली का एक वीडियो, मतलब जो एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर को हिजाब पहना दिया गया था और उस पर लिखा गया था कि महिलाएँ इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगी, या हिंदू राष्ट्र बनने के सपने को चकनाचूर कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, ये उस पोस्टर में लिखा हुआ था। लेकिन सवाल दोस्तों इस बात का है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो कहीं से आ ही नहीं रही है, ये सिर्फ दिल के सिगूफे हैं जिन्हें बार बार लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है लोगों को भड़काने के लिए, एक खास तबके को भड़काने के लिए, जो गरीब मुस्लिम हैं उनको भड़काने के लिए कि ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ आया और उस पर देश के जो तमाम जो कठमूल्य हैं, तमाम जो एक जिहादी भीड़ है वो सड़कों पर उतर आई, और ये कह दिया गया, बच्चों तक को ये सिखाया गया कि हमसे जो है कागजात मांगे जाएंगे, हमारा सिर कलम करा दिया जाएगा और हमें मार दिया जाएगा। शाहीन बाग की मैंने कल आप तक एक खबर पहुंचाई थी, और शाहीन बाग की जो तस्वीरें हैं वो भी मैंने आप तक पहुंचाई थी। ये बताया था कि शाहीन बाग में 8 साल से लेकर 92 साल तक की महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं, और इन बच्चियों के मन में जहर घोला जा रहा है कि इस देश से जो है हमें निकाल दिया जाएगा, मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा, सर कटवा देगा मोदी, ये सारा जहर भरा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि तस्लीमा नसरीन ने सीधे सीधे ये कह दिया कि इस देश को, अगर ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर है, तो कहीं बेहतर है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये कहना है तस्लीमा नसरीन का। हालांकि इसके बाद आपको बता दूं कि तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार लगातार ये बोलती रहती है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, हिंदू विरोधी बातें कांग्रेस हमेशा से करती आई है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस ने हमेशा से किया है, वहीं बांग्लादेश की एक लेखिका जो खुद एक मुस्लिम है वो ये कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए वो ज्यादा बेहतर है बजाय इस्लामिक राष्ट्र बनाने के। लेकिन आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर है, ना वो भारत हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर है। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वो आप सब समझते हैं, जो फिलहाल जो तैयारियां की जा रही हैं, चाहे फिर वो शाहीन बाग का प्रदर्शन हो, और शाहीन बाग के प्रदर्शन में जिस तरीके के नारेबाजी की जाती है, जिस तरीके के पोस्टर लहराए जाते हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि तैयारियां आखिर किसकी की जा रही हैं। लेकिन समझना आपको और हमें है, हर हिंदू को यह समझना होगा कि उसे एक होकर चलना पड़ेगा, और जो एक एजेंडा फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं उस एजेंडे से बचना होगा, न सिर्फ खुद को बचाना होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा, इस देश को बचाना होगा,
और जिस तरीके से भारत सर्वधर्म संभाव लेकर चलता था वो भी हमें देखना होगा। तो दोस्तों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। अगली खबर मैं आप तक जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले दोस्तों देशहित चैनल है हॉक फीड न्यूज, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।